लड़की आदमी वीडियोग्राफी देखो मेरी। सर की शादी, तो चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी है फरवरी 2024 की, जब हम सभी मित्रों के फोन पर एक साथ नोटिफिकेशन बजता है। अरे अरे, हम कहानी में काफी आगे निकल चुके हैं। तो हमारे पास उस दिन इनविटेशन आता है शादी में जाने के लिए, बट किसका बताएंगे नहीं। चलिए हम आपको सीधा दिखाते हैं। उतरेंगे पटना, डायरेक्ट पटना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, बहुत गंदा लग रहा है। और आप ट्रेवल कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ट्रेन इज लेट बाय 5 to 6 hours। जी भैया जी, हमारी ट्रेन कम से कम 5 to 6 hours लेट चल रही थी, जबकि हमने इस ट्रेन को इसलिए बुक किया था क्योंकि ये सुपर फास्ट थी, और ये इतनी सुपर फास्ट होगी हमने सोचा नहीं था। क्योंकि जहाँ हम पटना 12 बजे उतरने वाले थे, वहीं हम उतरते हैं शाम के 6 बजे। और कहानी यही नहीं खत्म होता है, थके हुए शरीर को लेके हम वहाँ उतर तो जाते हैं, बट जैसे ही हम वहाँ उतरते हैं वहाँ से हमें तुरंत लोकल ट्रेन पकड़ कर जाना होता है जहानाबाद। तो भैया जी, हम ट्रेन तो पकड़ लेते हैं जहानाबाद के लिए, और वहाँ उतरने के बाद से अब ताकत हम में से किसी में नहीं बची है। बट एक ऑटो में 6 लोग एक साथ बैठ के खुश बहुत हैं, क्योंकि अब हम पहुँचने वाले थे। हम पहुंचते पहुंचते इतने थक जाते हैं हम सारे के सारे कि आगे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो अभी जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो है बिहार में हमारा दूसरा दिन। तो हम सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद से सीधा निकल पड़ते हैं गांव में खेत घूमने के लिए, क्योंकि अगर हम गांव आए हैं तो खेत तो घूमना बनता है। बता रहे हैं तो भैया जी, हम यहाँ आए हैं अपने 7th class के टीचर यानी गुरुजी की शादी अटेंड करने के लिए। सो हेयर ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मल्टी टैलेंटेड एंड मोस्ट हैंडसम टीचर आई हैव सीन एवर। भैया, खेत घूमने के बाद से सेम डे यानी उसी दिन हमें शाम में बारात अटेंड करना होता है। तो हम उसी दिन इवनिंग में बारात अटेंड करते हैं अपने सभी बैग्स और इक्विपमेंट्स के साथ, क्योंकि हमें अगले दिन ही सुबह वहीं से स्टेशन के लिए निकलना होता है।
सर के साजिश से अगले दिन हम सीधा आ गए थे यहाँ पे। आवाज सुन के आपको पता चल रही होगी ठीक है कि किस तरीके से आवाज आ रही है। और ये देखो भैया ठीक है, और ये दो अंदर पड़े हुए हैं, ये देखो एक उधर से जा कर है ठीक है। तो पता तू बोले भाई तेरी आवाज देखो बात कुछ ऐसी तो हमारी सीट इस साइड है ठीक है। तो हम अभी आ चुके अपनी सीट पे, अभी हम सीधा मिलेंगे आपको दिल्ली आनंद विहार में ठीक है। तो चलो ये रही हमारी सीट के, इसको वैसे जगह पे रखा भाई नीचे रहेगा ठीक है। हाँ नीचे ही रहेगा ठीक है, इस प्रकार की सीट है हमारी ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं हम सीधा और मिलते हैं आनंद। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, आशा करता हूँ आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस एंड ऑल्सो विशिंग यू वेरी जॉयफुल लाइफ विद योर पार्टनर फ्रॉम अस।